इसकी चप्पल टूट गई, क्या ना कि मैंने भी पैर रख दिया। प्रोफेशनल चिपकाना चप्पल, ये चेक करो। तो अभी आसिफ भाई भी हमारे आ चुके होंगे जॉब से, तो आसिफ भाई से भी मिलवाते हैं अपने, और बेहतरीन से एक चेस्ट की एक्सरसाइज मारते हैं। 5-6 एक्सरसाइज होती है, बढ़िया करके दिखाएंगे आज जिम में। तो भाई भी रास्ते में चलते चलते पता क्या सीन शॉट हुआ है, ये देखो भाई लौंडे को लगा दिया लगड़ा, इसकी चप्पल टूट गई, क्या ना कि मैंने भी पैर रख दिया। चलते चलते गलती में पैर रख दिया, तो इसकी शक्ल देखो इस टाइम कैसी हो रखी है। लगड़ा के चल रहा है, बोला फैबिक ले ले, कह रहा नहीं घर से चेंज करके आऊंगा। अरे चले फिर फैबिक लो भाई, दुकान ये थी भाई। किसने? आरिफ भाई ने, है ना? मैं रुक जाओ भाई, इन बंदों ने चप्पल तोड़ दी इसकी और ये वापस भी नहीं आ रहे मुड़ के। देख रहे हो भाई, चप्पल तोड़ दी खामा खा। भाई क्यों तोड़ी चप्पल भाई अगले बंदे की? पूछो किसकी टूटी हुई है भाई, किसकी टूटी है? गौरव की टूटी है। और गौरव की क्या टूटी है? जल्दी ले फेविक्विक यार। जैसा कि आप भाई साहब देख सकते हैं, ये देखिए फेविक्विक ले लिए 5 रुपए की, ये भी मेरे को ले जाता। ले भाई जोड़ चप्पल जल्दी, ये देखो भाई चप्पल का ऑपरेशन हो रहा है, इसमें टांके लग रहे हैं, टांके टांके लग रहे हैं, टांके डालो भाई, थोड़ा बीच में डालो, अबे पहले पहले बीच में थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे ऐसे उंगली, अब उंगली में मत चिपका लेना भाई, चिपकी रह जाएगी उंगली। मैं भाई दूर करके। प्रोफेशनल चिपका रहे चप्पल, ये चेक करो। अब डालो भाई ऊपर से फैब्रिक भर दो, बराबर तो कर हलवे। अबे अब ऊपर से डालो थोड़ी सी छेद, हाँ ऐसे छेद में, ताकि अच्छे से जाए, सेट हो जाए मामला। भाई प्रोफेशनल चप्पल जोड़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स, कोई प्रोफेशनल नहीं भाई, मट्टी साथ में ताकि चप्पल में मजबूती आ जाए। ये मट्टी का जोड़ है भाई साहब, ये कभी नहीं कटेगा। फिलहाल में चेक करो, NK ओलंपिक जिम अपनी जिम का नाम है, और बाकी यहाँ से ऐसे एंट्री है ऊपर की तरफ, ये देखो ऐसे चल रहे हैं बढ़िया, और सामने आर्नोल्ड की फोटो, ये देखो भाई अभी ऊपर चल गए जिम में एंट्री लेते, बढ़िया सी बेहतरीन सी, ओ दिख नहीं रहा था आंखों में, फ्लैश कर रहा था। चलते जिम में एंट्री लेते प्यारी सी, अपना जिम के अंदर एंट्री ले चुके थे, और राहुल भाई भी हमारा आ रखा है जिम में, तो फिलहाल में भी क्या सीन है कि थोड़ा वार्म अप वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद मारते हैं। आज अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज है, चेस्ट की मसल ट्रेन करेंगे आज, तो फिलहाल में तुम्हारा सीन में लगता तो हो सकता है थोड़ा बहुत, याद तो मैं हूँ वैसे ही बचपन में। फिलहाल में अभी जल्दी से चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए वार्म अप पहले मार लेते हैं, दिखाते हैं आपको चेस्ट की एक्सरसाइज सारी। तो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी, बारबल बेंच प्रेस मारते हैं एक बढ़िया सी, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारी चेस्ट की। आज मसल ट्रेंड कर रहे हैं जैसे कि आपको बता ही दिया था मैंने, और एकदम स्लोली स्लोली मारेंगे। मैंने थोड़ी सी ना वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथ ना हो, और बाकी एक साइड के 12 रैप मारेंगे, और वो भी बेहतरीन करके, और फिर उसके बाद आपको बॉडी कंडीशन दिखाएंगे सारी एक्सरसाइज करने के बाद। अभी तो बेंच प्रेस ये वाली हो गई है ख़त्म, बारबल बेंच प्रेस, अब मारेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस, ये चेक करो। अब इसके भी 12 रैप निकालेंगे एक सेट में, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, और 4-4 सेट मारता हूँ मैं भाई, मगर मैं आपको एक एक सेट दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बन जाए। इससे क्या होता है, उससे ना चेस्ट की अपर वाली मसल ट्रेन होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिखाती है चेस्ट को। जल्दी जल्दी ये भी ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद मारेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है? ये वाली भी हो गई ख़त्म, अब चलें डिक्लाइन बेंच प्रेस की तरफ। डिक्लाइन बेंच प्रेस भी मारते हैं प्यारी सी, इससे ना चेस्ट की नीचे वाली मसल ट्रेन होती है, जो कि कट लाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि चेस्ट को एकदम अच्छा दिखाती है। अब जल्दी जल्दी ये ख़त्म करके फिर मारेंगे अपन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी ख़त्म करेंगे प्यारी सी। बटरफ्लाई से क्या होता है कि चेस्ट बल्कि दिखती है,
उससे क्या है राउंडेड शेप आता है चेस्ट में। ये देखिए ये भी करते हैं प्यारे जी, इसके भी वही चार सेट लेते हैं 12-12 रैप के। अभी तो कम वेट है, कम ही मारते हैं भाई, कम मारो अच्छा मारो ताकि चेस्ट में फ़र्क पड़े। ज़्यादा वेट मारने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बॉडी को नुकसान ही होता है। जितना आपकी है वेट हो उतना ही मारो। अब मारते हैं डंबल बेंच प्रेस, ये भी अपना 12 गाय पे निकालेंगे, इसके भी चार सेट होते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही कहा भाई कम मारो अच्छा मारो, तो मैं वही करता हूँ भाई। आप लोग पता नहीं कितना वेट मारते हो मगर मैं यही मारता हूँ। सारी एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज के बाद क्या कंडीशन हुई है बॉडी की। जल्दी से उतारते हैं फिर चेक करते हैं। चेस्ट काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रही है आज मेरे को, मेरी जितनी है उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। अभी स्टार्टिंग करी है मगर फिर भी उस हिसाब से कंडीशन अच्छी हो रही है बॉडी की, चेक कर सकते हो आप। बेहतरीन कंडीशन, चलते हैं घर की तरफ। बाकी ट्राइसेप वगैरह भी चेक कर सकते हो, ये है फ्लेक्स करने में मज़ा आता है। तो भाई फिलहाल में क्या सोचा कि मिशन वगैरह हो गई है कंप्लीट और आपने जिम के बाद की कंडीशन देखी ली बॉडी की क्या है क्या नहीं। तो अभी फिलहाल में भाई चलते जल्दी जल्दी घर, पैसे लेते हैं और चलते हैं जल्दी किले वगैरह लेकर आते हैं। तो बनाना तो घर पर बनाएंगे शेक फुल अपना देसी तरीके से। तो अभी तो फिलहाल भाई चल रहे हैं, बाकी सारे भाई भाई जिम भी मार के एकदम देख रहे हो डोले सोले फुल पंप हो रहे हैं भाई। अभी चलते हैं भाई जल्दी जल्दी, रात में केले वगैरह कुछ बना दे थोड़ा सा, बाकी फिर रात का खाना वगैरह भाई मैं भाई जो है अपने देसी का बहुत कम है ना इसलिए है। सही कह रहे हो, तुमने कितना ले लिया भाई? मैं पाउडर खाते ही नहीं, मेरे को तो वेट लूज करना है, गेन नहीं है ही कुछ जरूरत तो इस बंदे को है भी कुछ। पीछे दिखाओ पीछे, इस बंदे को है गेन की जरूरत, इसे पाउडर चाहिए। कौन सा पाउडर चाहिए? नाइसिल का। हंस क्यों रहे हो भाई, इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम हंस रहा है बाकी तो देख लियो तो कौन सा पाउडर चाहिए। मसाज करानी है उसने और मेरे घर में चल रही है पंचायत सीजन 3, ठीक है। मम्मी अंदर बैठ के पंचायत सीजन 3 देख रही है, थोड़ा ब्लर हो गया कोई बात नहीं। तो फिलहाल में भाई अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ देसी वाला एकदम जुगाड़ की शेक कैसे बनाते, क्योंकि मेरी मिक्सी हो गई है खराब यार, बहुत दुख हुआ। मिक्सी खराब हो जाती है ना घर में, आधी चीज़ें खत्म हो जाती है। फिलहाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ बढ़िया रहते शेक बनाते कैसे। ये चेक करो, केले को पीस में काट लिया है, अब क्या करेंगे इस गिलास की मदद से इसे ना घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके। अभी इसका पेस्ट बनाने के बाद दिखाता हूँ कैसा लगेगा ये, है ना। ये चेक करो भाई कैसा एकदम इसे एकदम मैश कर दिया ढंग से इस गिलास की मदद से, गिलास भी गंदा हो रहा है देखो। ऐसे ऐसे करके घुमाया था, जल्दी जल्दी इसमें हम डालते थोड़ा सत्तू और दूध वगैरह। ये देखो भाई ये रहा सत्तू का पैकेट और ये हमने डाल दिया इसके अंदर सत्तू 3-4 चम्मच, और बाकी ऊपर से हमने ऐड कर दिया इसके अंदर दूध 1 गिलास पूरा प्रॉपर। अब इसे जल्दी से अच्छे से मिलाएंगे फिर उसके बाद और दूध डालेंगे, बाकी दूध ये रखा। मज़ा आने वाला है मज़ा। तो भाई फ़िलहाल में एकदम हो चुका है ये डन, सत्तू वगैरह अच्छे से घोल दिया है इसके अंदर। अब जल्दी जल्दी इसे खींचते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं पहले सत्तू का भी टेस्ट आ रहा है इसमें, बड़ा प्यारा सा। बस यार इसके अंदर ना एक चीज़ की कमी रह गई यार, शहद की। शहद मैंने देखा तो घर पर हो गया चुका था खत्म, कोई दिक्कत नहीं कल शहद डाल लेंगे, एक दिन मिस हो गया मेरी जान कोई टेंशन नहीं है। जिम वगैरह हो चुकी दिखा था, मैं इसी के साथ कर देते थे ब्लॉग का यहाँ पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए व्यक्ति नए फन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सीनू भाई के चैनल पे इसी तरह।